नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग करने का ज़्यादा मूड नहीं था मेरे को। मैं थोड़ा बहुत आज सुबह से बहुत कुछ चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। आपको मालूम है मैं पिछले व्लॉग में ही मेरे बारे में बताया था कि मैं यूट्यूब को जो है अभी अपना लाइन ऑफ इनकम बनाने के चक्कर में हूँ, और उसके कारण मैं हर दिन जो है मुझे इसके बारे में सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एनालिटिक्स देखना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ है। ये भी एक काम जैसा ही हो गया। तो अभी मेरे जो दिन है बेसिकली बहुत ही नज़दीक आने लग गए, क्योंकि दुबई में अभी मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन रह पाऊँगा। तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आगे क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ चीज़ें जो सोचना पड़ता है। तो उसके कारण आई एम जस्ट अ बिट वरीड अबाउट दैट ऑल्सो, प्लस प्लान भी करना हो तो उसका प्लानिंग चल रहा है अभी। एंड मैं सोचा कि अपने ऊपर जो है जो मैं ये प्रेशर जो डाल रहा हूँ, अगर अभी नहीं डाला तो फिर कब डालूँगा। तो ऐसे मोमेंट्स जो है हम सभी के ज़िंदगी में आते हैं। कभी कभी ज़िंदगी ऊपर जाता है, कभी कभी ज़िंदगी नीचे जाती है, तो वी कांट हेल्प इट। जैसे होने का है, जो होने को है, वी कांट हेल्प इट। लेकिन एक चीज़ है कि इन सभी का कारण हमारे ही हाथ में रहता है। मतलब वी कैन नॉट ब्लेम एनी बडी फॉर द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो अगर इस सिचुएशन में हूँ अभी, वो मेरा ही कारण है जो मैं इस सिचुएशन में हूँ, कि मुझे आज दुबई छोड़ने का जो है नौबत आ चुका है। हम लोग बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं कि इसके कारण उसके कारण, नहीं। मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग हम ही है जो कारण है हर चीज़ का, चाहे वो आपका चढ़ाव हो या चाहे वो आपका उतराव हो, सभी का कारण हम ही लोग हैं। तो मैं आप लोगों के साथ मैं आज इसलिए मैं बात करने आया था, स्ट्रेट टॉक बेसिकली, जो मैंने अपने ज़िंदगी में मैंने महसूस किया है, और मैंने अपने ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ सोचा कि थोड़ा गुफ्तगू कर लूँ और बता दूँ। और मेरे लाइफ में अभी बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, विच इज़ गोइंग टू हैपन। चेंजेस मतलब इन रिगार्ड्स विथ माय वर्क, मेरा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है और मेरा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कोई भी शायद यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एट दिस मोमेंट। मैंने आपको बताया मैं UAE में इतने सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में था और मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहा था, लेकिन अभी पैंडमिक के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुका है और वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। एट द सेम टाइम वी हैव टू सी दैट कि जितना हम लोग पकड़ के रख सकते हैं, हम लोग पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन एक बार हाथ से निकल गया तो फिर देन इट्स बेटर टू लेट इट गो। तो अभी मुझसे हो नहीं रहा ये, मैंने मैक्सिमम ट्राई कर दिया, लेकिन जितना मैं ट्राई करता हूँ मैं उधारी में घुसते रहता हूँ, क्योंकि यही गलती मैंने किया था कि मैं उसको और रिवाइव करने का जगह और करते 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 मैं ज़्यादा उधार में डूबने लग गया। बहुत कुछ चीज़ें मैंने जो क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे दोस्त लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें हेल्प किया था, तो उनका भी थोड़ा बहुत पेमेंट्स है जो हमें देना पड़ेगा, विच डेफिनेटली आई कैनॉट गिव इट राइट नाउ, बट डेफिनेटली मेरे हिसाब में है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ अभी, एंड विच आई बिलीव दैट कि मैं YouTube से मेहनत करके कमा सकता हूँ। जैसे कल का वीडियो में मैं आपको दिखाया था, अगर वो लोग कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अभी तो मैं हर दिन विदाउट एनी डे ऑफ मैं YouTube के लिए काम कर रहा हूँ। अभी तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स में हो, या मेरे इनकम में हो, या मेरे व्यूज़ में हो, बट यस आई कैन सी अ लिटिल बिट चेंज इन माई एनालिटिक्स, जिसमें थोड़ा होप मिलता है हमको कि हाँ, अगर हम लोग डेली कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, और नए नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, व्यूज़ भी मिलते हैं, प्लस उसके हिसाब से हमारा इनकम भी बढ़ता है। ये है मेरा 113वां वीडियो, और आप देख सकते हो ये जो 113वां वीडियो, मतलब 113 दिन मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने हर दिन इस चीज़ में डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर दैट वेयर आई विल बी एंडिंग अप, विच आई सी इट वेरी फ्रूटफुल।
तो मैंने ये 113 दिन पहले ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 113वां दिन पहले कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो शुरू करना है, नहीं तो घर पे ऐसे ही फालतू बैठ के तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया 100 दिन पहले, और आज 113वां दिन हो चुका है, और आज मैं आप लोगों से बात करो इसके बारे में कि जो मैं करना चाहता हूँ और फ्यूचर में जो होने वाला है, ये सब कुछ मेहनत के ऊपर ही होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई लोग मुझ पे विश्वास ना करे कि ये मुमकिन है, और कोई लोग ये भी सोचे कि ये तो पगला गया है, और कोई लोग ये भी सोच सकते कि नहीं ये कर सकता है और ये करेगा। सपोर्ट करने वाले भी हैं और सपोर्ट ना करने वाले भी हैं, क्योंकि ये हमारा अपना पर्सनल चॉइस है, सबका अपना एक थिंकिंग रहता है उसके हिसाब से। तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, जो सपोर्ट करते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, मेरे लिए सब एक ही है। लेकिन मैं इस YouTube चैनल से मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ आप लोगों के लिए। मैंने आपको कल मेरा कमाई दिखाया, जो मैं अभी कमा रहा हूँ सिर्फ 900 रुपये के करीब, समथिंग रुपए 900 रुपए महीने का, उससे कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम जी नहीं सकते उसमें। लेकिन यही 900 मैं 9000 बनाना चाहता हूँ, 9000 से 90000 बनाना चाहता हूँ, और 90000 से 9 लाख बनाना चाहता हूँ, ताकि एक मंथली इनकम आना शुरू हो जाए और मैं अपने आप को और अपना फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। आज का यूट्यूब का टाइटल से आपने एक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कितना उम्र का हूँ। अभी इन 2 महीनों के अंदर मैं होने वाला हूँ 50 साल का, और अगर मैं इस उम्र में इतना सीरियस हो सकता हूँ कि यूट्यूब मुझे मेरे मेहनत के लिए कमाई दे सकता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते इसके बारे में। देखिए, यूट्यूब तो मैंने बहुत पहले ही शुरू कर चुका था, और मेरे साथ उस टाइम पे मेरा बिजनेस था और मेरा काम था, इसलिए मेरे को सपोर्ट मिल रहा था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना पूरा काम धंधा सब कुछ छोड़ के आप यू नो यूट्यूब पे लग जाए। मैं ये बस ये बोलना चाहता हूँ मैं क्यों लगा हूँ इस पे, क्योंकि मेरा मेन काम था म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और प्लस सिखाना, जो डीजेइंग होता है या म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है या ऑडियो इंजीनियरिंग होता है, वो अभी मैं दुबई में नहीं कर सकता ज़्यादा। उसके कई कारण हैं, वो मैं एक्चुअली अभी आपको बता नहीं सकता। जिस दिन मैं दिल्ली पहुँचूँगा उस दिन मैं खुल के बात करूँगा दुबई के बारे में, अभी उसके बारे में मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप इसको एक पैसिव इनकम की तरह भी आप ले सकते हो फिलहाल। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो आज का नौकरी है ये नौकरी हमारे साथ रहेगा, या हमारे ये जो आज का बिजनेस है ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम लोग कभी भी ऐसे सोच के नहीं चलना चाहिए। हमें हमेशा एक सेकंड इनकम हमेशा होना चाहिए, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी एक इनकम सोर्स कभी भी हम लोग पकड़ के या उसके ऊपर विश्वास करके हम लोग कभी भी चलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे एक पैसिव इनकम कहीं ना कहीं से हमको कमाई करना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए जैसे पैंडमिक जैसा टाइम आया था, तो आगे के लिए सपोर्ट के लिए हमें ये जो इनकम है हमारे एक बैकबोन बन सकता है। तो ये एक चीज़ मैं आपको आज शेयर करना चाहता था कि आज मुझे अभी यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरा बैकबोन है, बिकॉज मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था मैंने बहुत कुछ सीखा। यूट्यूब कैसे चलाना है वो मैंने सीखा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैं वीडियो लेना सीखा, उसको कलर करेक्शन करना सीखा, कलर ग्रेडिंग करना सीखा, हर दिन व्लॉग करना सीखा, हर दिन कंटेंट व्लॉग के लिए कैसे लेके आऊँ वो सीखा, बात करना सीखा, कैमरा के सामने कैसे बात करते हैं वो सीखा। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, और वो आपका एक ज़रिया बन सकता है कल एक कमाई के लिए। तो बस मैं यही बोलना चाहता था आप लोगों को कि मैंने
इस उम्र में इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी मुझे और कोई ज़रिया नहीं है जहाँ से मैं कमा पाऊँ, क्योंकि अभी जो मकाम पे मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं से भी दुबई के अंदर मैं कमा नहीं सकता। तो यही एक चीज़ है जो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ कुछ भी, और मैं कुछ कमाई कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ कि आगे जाके मुझे इसमें से कुछ कमाई मिलेगा। बस मैं यही बोलना चाहता था आज, जैसे मैंने बताया कि आज मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट था मैंने जो अपने आप से किया कि भैया हर दिन हमें व्लॉगिंग करना है 365 डेज। अभी 113 दिन पहुंचने के बाद ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं। हो सकता है कभी इन बिटवीन शायद मैं 2-3 दिन या शायद एक हफ्ता या हो सकता है एक महीना मैं व्लॉग कर ना पाऊँ। ये मेरा थिंकिंग है कि कुछ भी हो सकता है, जो मेरे जो अभी कंडीशन है दुबई में उसके हिसाब से तो शायद मेरा व्लॉगिंग छूट सकता है, लेकिन उसके बारे में भी मैं अगर अपडेट कर दूंगा आप लोग को जो भी है। लेकिन अभी तक तो सब कुछ सही है, तो मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो मैं हर दिन व्लॉगिंग करूँगा। तो जितना दिन तक मेरे पास ये एक्सेस है कैमरा का, मैं व्लॉगिंग करूँगा और करते रहूँगा। और बस मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द वापस हमारे देश वापस आ जाऊँ। मैं और मैं यही देख रहा हूँ कि आगे भी मैं यही यूट्यूब में कुछ कर पाऊँ और सक्सेसफुल बन पाऊँ। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग मेरे में है और ये हमेशा रहेगा। इवन मैं हार भी गया फिर भी मुश्किल ने कोशिश तो किया। ये एक चीज़ हमारे दिल में हमेशा रहेगा कि हाँ भाई इस उम्र में भी मैंने कोशिश तो किया। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, हार या जीत का जो है आप महसूस कैसे कर पाएंगे कि आप हारे या जीते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको मेरे सरे दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे अच्छे अच्छे सपोर्टर्स जो हैं और अच्छे अच्छे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें हमेशा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और प्यार देते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जो प्यार है उसके कारण मुझे ये हिम्मत भी मिलता है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि यही सेम हिम्मत मैं आप लोगों को भी वापस दूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। सब लोग खुश नहीं रहते 24/7, तो हम लोग ये देखेंगे कि हम हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें और यही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले कि आगे जाके हम सब एक साथ कुछ बनेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका हर कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।